बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। कल मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की है जी, बिलाल अकबर साहब जो लाइव आए हुए थे, लाइव से मुराद ये थे कि अपना उन्होंने नंबर दिया हुआ था, आप उस नंबर के ऊपर कॉल करें, वो आपकी कॉल लाइव अटेंड कर रहे थे। तो आपको कोई मसला वगैरह था है तो आप उनके साथ भाई बातचीत खुद से कर सकते थे उस मसले के ऊपर। बहरहाल उसी के नीचे कमेंट बहुत से आए, मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, अभी मैंने एक कमेंट उसके नीचे देखा था, यानी कि कल ही मैंने देख लिया था। आप भाई के साथ अभी न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ मैं, जो कि कमेंट मुझे देखने के बाद काफ़ी मुझे दुख हुआ। ये देखने के बाद पहले तो दुख हुआ और उसके बाद मुझे, मैं ये सोच रहा था कि इस कमेंट के ऊपर बिलाल अकबर साहब को लाजम जवाब देना चाहिए था, बल्कि इनके साथ रابطہ करना चाहिए था। कमेंट क्या है, यहां पर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रखा हूं मैं। ब्रिदाल कसीम में एक पाकिस्तानी की वफात हुई है जी, यानी कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वफात हो गई है। उसके बाद इस बंदे ने नीचे वो पेपर जो बनता है हॉस्पिटल की तरफ से, डेथ जिसके ऊपर, डेथ सर्टिफिकेट जिसे बोल रहे हैं आप भाई, वो दे दिया गया। उसके बाद आप सफारतखाना में जाते हैं, सफारतखाना में आपको भाई कागजात की जितनी भी कार्रवाई होती है वो पूरी करनी पड़ती है, उसके वारस वगैरह जो भी इधर बनते हैं, जो बंदा उसके साथ जाएगा, उसके बाद जो भी, बहरहाल वो एक लंबा चौड़ा सिस्टम है जी। मैंने खुद से एक दफ़ा ताइफ में देखा हुआ, एक पाकिस्तानी की वफात हुई थी रूम के अंदर ही, तो वो बंदों को भी भाई 2 दिन लग गए थे। बहरहाल पाकिस्तानी एम्बेसी को, बिलाल अकबर साहब को इस बंदे के साथ ज़रूर रब्ता करना चाहिए। और अभी भी मेरी न्यूज़ ये शेयर करने का मकसद आप भाई के साथ ये है कि आप भाई, मैंने कभी नहीं आपको बोला यार मेरी कोई न्यूज़ लाइक करो, ये करो वो करो, लेकिन मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर ज़रूर कीजिएगा जहाँ पर भाई लोग देखें इसे, ताकि इस कमेंट के ऊपर भाई बिलाल अकबर साहब या पाकिस्तानी एम्बेसी को एक्शन ले इस कमेंट के ऊपर, इस बंदे के साथ रब्ता।